रात का वक्त, खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सोना शिवी और पीहू के साथ उनके कमरे में थी। वे तीनों पूल साइड पर बैठे बातें कर रहे थे। पीहू ने कहा, भाभी आपको पता है कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमें नए स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए क्या करना चाहिए। ये सुनकर सोना ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों उनके वेलकम के लिए गाना गा सकती हो। शिवी ने निराश होते हुए कहा, लेकिन हमें तो गाना गाना नहीं आता। पीहू ने कहा, हाँ भाभी हमारी आवाज़ एक बार कोई सुन ले तो बहरे ही हो जाए। सोना ने हैरानी से कहा, क्या इतने बेकार सिंगर हो तुम दोनों। शिवी और पीहू ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ बोली, नहीं इतने भी नहीं है लेकिन। सोना ने बीच में कहा, लेकिन कुछ नहीं, चलो हमें गाना गाकर सुनाओ, फिर हम बताएंगे तुम दोनों कितनी अच्छी सिंगर्स हो। पीहू ने कहा, ठीक है मैं सुनाती हूँ आपको। ये कहकर उसने अपना गला साफ किया और अपना एक हाथ कान के पास रखकर गाना गाने लगी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। उसके इतना गाते ही सोना और शिवी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता देख पीहू गाना गाना छोड़कर उन दोनों को घूरने लगी। सोना ने हंसते हुए कहा, पीहू तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर दो मिनट और गाया तो हमारे पेट में हंसते हंसते दर्द ही हो जाएगा। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा, भाभी मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन वो आप थी जिसे मेरा गाना सुनना था और अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सोना ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, रुको हम सुनाते हैं तुम्हें कैसे गाना है। ये कहने के बाद उसने अपना गला साफ किया और गाना शुरू किया। खुमारी ऐसी चढ़ी है तेरी हम पर कि हम सुदबुद ही खो बैठे, साजन तेरे प्यार में हम खुद को ही भूल बैठे। वो उठी और रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे गाना गाना जारी रखा। तड़पता है दिल तेरे पास ना होने से, होती है बेचैनियाँ, साजन तेरे दीदार के लिए राहों में हम पलके बिछाए बैठे हैं। खुमारी ऐसी चढ़ी है तेरी हम पर कि हम सुदबुद ही खो बैठे, साजन तेरे प्यार में हम खुद को ही भूल बैठे। गाना गाते हुए वो इतनी खोई हुई थी कि उसे पता नहीं चला। एक कार अभी अभी गेट से अंदर आई। कुछ मिनट बाद सोना ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। सामने देखते ही उसे हिचकी आने लगी, क्योंकि उसके सामने वो काली गहरी आंखों वाला राक्षस जो खड़ा था। सोना ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। डिम लाइट में उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था। अंश बस एकटक उसे ही देख रहा था। वो कुछ ही मिनट पहले वहाँ आया था और आते ही उसके कानों में सोना की मिश्री सी आवाज पड़ी और वो पूल साइड पर आ गया। पीहू और शिवी अंश को वहाँ देखकर सोना को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चले गए। सोना अंश के ऐसे उसे देखने से झेप गई। उसने हकलाते हुए पूछा, अब आप कब आए, शिवी और पीहू कहाँ हैं? उसके सवाल को सुनकर अंश ने कहा, वो दोनों तो कब के चले गए। सोना ने अपने मन में कहा, इन दोनों ने हमें बताया भी नहीं कि ये राक्षस आ गए हैं। इसका मतलब हम कब से इस राक्षस के सामने गाना गा रहे थे, हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। उसने अंश से पूछा, अब आपने खाना खाया। अंश ने उसके सवाल पर सीधा सा जवाब दिया, नहीं। सोना ने कहा, ओ अब ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। अंश ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया और सोना भी उसके पीछे नीचे देखते हुए चल रही थी। तभी अचानक से अंश ने अपने कदम रोक लिए। सोना जो उसके पीछे आ रही थी वो उसकी पीठ से टकरा गई। उसने अपनी नाक सहलाते हुए सामने देखा। अंश को अपने सामने पत्थर की तरह खड़े देखकर उसने कहा, क्या आप हमारी नाक तोड़ना चाहते हैं? ऐसे बीच रास्ते में कौन खड़ा होता है? अंश ने उसकी लाल हुई नाक को देखा और कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती तो इसमें मेरी क्या गलती, तुम अपनी आंखें बंद करके चल रही थी क्या? सोना ने गुस्से से उसे देखा और अपना पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अंश के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, सो क्यूट बीवी। अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि वो बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था, तो उसने अपना चेहरा भावहीन कर लिया और खुद से कहा, ये मैं क्या कर रहा था। सोना अकेले अकेले बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आई। वो अभी सीढ़ी से नीचे आ ही रही थी कि उसकी नज़र शक्ति सिंह पर पड़ी जो किचन से बाहर आ रहा था। शक्ति सिंह ने सोना को देखा लेकिन उसे बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। सोना ने ज्यादा नहीं सोचा और वो किचन में आ गई। किचन में आते ही उसकी नज़र शिवी पर पड़ी जो सिंक के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा साफ कर रही थी। सोना ने कहा, शिवी। शिवी ने सोना की आवाज़ सुनी और वो हैरान हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को ठीक किया और अपने चेहरे से पानी को साफ करते हुए पीछे पलट गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
ओ भाभी आप, मैं यहाँ पानी लेने आई थी। ये कहने के बाद वो फ्रिज के पास आई और पानी की बोतल निकाल ली। सोना ने देखा उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। शिवी ने सोना को नर्वस होकर देखा, फिर उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। सोना ने उसे जाते हुए देखा। शिवी का बिहेवियर सोना को सस्पिशियस लग रहा था। कुछ देर बाद उसने खाना गर्म किया और वो उसे लेकर कमरे में आ गई। अंश भी तब तक कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा था। सोना ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और कबर्ड के पास आ गई। उसने रात में पहनने वाले कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो व्हाइट कलर की सिल्क नाइट गाउन पहनकर बाहर आई और एक बुक लेकर बैठ गई। अंश उसकी एक एक हरकतों को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने खाना खाया और अपना फोन लेकर स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन सोना तैयार होकर नीचे आई, जहाँ पर घर के सभी लोग लंच के लिए मौजूद थे। सोना सबके पास आकर बैठ गई। सोना ने देखा शिवी और पीहू का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने पीहू से इशारा करके पूछा कि क्या हुआ, तो पीहू ने अपने कंधे उठा दिए। सोना उसके ऐसे करने से कंफ्यूज हो गई। तब तक अंश भी वहां आ गया। अंश सोना के पास बैठ गया। शक्ति सिंह ने कहा, अच्छा अंश, आज अग्रवाल साहब उनकी पुरानी हवेली पर आ रही हैं। हम सब आज शाम वहीं जा रहे हैं। शिवी और पीहू कॉलेज जा रही हैं, तो तुम भी बहू को लेकर आ जाना, उन्होंने तुम्हें याद किया है। ये सुनकर अंश खाना खाते हुए रुक गया। उसने कुछ देर सोचा और हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। अंश अपने स्टडी रूम में चला गया और सोना दूसरे काम में लग गई। इसी तरह शाम हो गई। शाम होते ही शक्ति सिंह अपनी पत्नी और नीलिमा के साथ नीलिमा के बाबा की हवेली पर चले गए। सम्राट और रिहान भी उनके साथ चले गए, क्योंकि सभी लोग आज वहीं पर डिनर करने वाले थे। शिवी और पीहू कमरे में आकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। दोनों ने मैचिंग गाउन पहना था, जिनमें वे दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। अभी वे दोनों तैयार हो ही रहे थे कि तभी शिवी के पेट में अचानक से दर्द हुआ। वो अपना पेट पकड़ते हुए बोली, आह मेरा पेट, और वो बेड पर बैठ गई। पीहू ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ शिवी, तुम ठीक हो ना? शिवी ने कहा, मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है मेरे वो दिन आ गए हैं। लगता है मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। पीहू ने कहा, ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम अकेली क्या करोगी? शिवी पीहू को कन्विंस करते हुए बोली, ये तो नॉर्मल है, तू जा, मैं ठीक हूँ। वैसे भी तेरा वहाँ होना जरूरी है, पार्टी होस्ट करनी है तुम्हें। पीहू ने कहा, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शिवी ने हाँ में सर हिलाया। पीहू अपनी कुछ जरूरतों का सामान लेकर चली गई। उसके जाने के बाद शिवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी सांसें तेज हो गई। इधर सोना नीलिमा के बाबा की हवेली जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे और वो अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहन ही रही थी। उसने चूड़ियां पहनने के बाद सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसे मांग में सजाने वाली थी कि तभी अंश स्टडी रूम से बाहर आया। उसने सोना की परछाई को मिरर में देखा। उसे देखकर सोना के हाथ भी रुक गए और उसने अंश को देखा। दोनों की नजरें मिलते ही दोनों झेप गए। सोना जल्दी जल्दी में सिंदूर की डिब्बी टेबल पर रख कर खड़ी हो गई। उसने कहा, हम तैयार हैं, चले। अंश ने ये सुना और उसे फिर से देखने लगा। उसकी मांग सुनी थी, जिसकी वजह से अंश को सोना में कुछ तो कमी लग रही थी। अंश ने अपना गला साफ किया और उसके पास आ गया। सोना उसे अपने पास आते देखकर थोड़ी घबरा गई और अपने कदम पीछे ले जाने लगी। अंश उसके सामने खड़ा हो गया और टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर सोना को देखने लगा। सोना को याद आया, अभी अभी उसने उसे टेबल पर ऐसे ही रख दिया था। सोना उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, ओ हम इसे भूल गए, इसे हमें दीजिए। सोना उसे ले पाती, अंश ने उसमें से सिंदूर अपनी उंगलियों में लेकर सोना की मांग भर दी। उसने कहा, नाउ इट्स परफेक्ट। सोना हैरान हो गई, उसके हाथ हवा में ही रह गए। अंश ने उसे हैरान देखा तो डिब्बी उसके हाथ पर रख कर रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद वो एज यूजुअल ब्लैक शर्ट और पैंट पहनकर तैयार था। वो हर रोज की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपनी स्लीव को रोल कर रहा था कि टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। अंश उसे रिसीव करते हुए बोला, हाँ वीरा। वीरा ने सामने से कुछ कहा, जिसे सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन रखा और सोना से कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें एक घंटे बाद पिक करता हूँ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और अंश वहाँ से चला गया। सोना ने अपने कानों के इयररिंग्स को निकाला और कपड़े बदलकर नीचे आ गई।
उसने देखा हवेली में कोई भी नहीं था और शिवी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। सोना ने अपने मन में कहा, शिवी और पीहू गए नहीं। इधर शिवी बेड के नीचे अपने घुटनों को गले लगाए बैठी थी, तभी उसे अपने कानों में किसी के कदमों की आवाज आई जो धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। उसके साथ उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और शिवी बुरी तरह से कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, प्लीज ताऊ जी मत कीजिए, मुझे तकलीफ होती है। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शिवी। इस आवाज को सुनकर शिवी हैरान हो गई। उसने अपना सर ऊपर करके देखा और अपने सामने खड़ी इंसान को देखकर उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। आखिर कौन आया है शिवी के कमरे में इतनी रात को, और क्या कभी शिवी अपने ताऊजी का सच सबके सामने लाने में कामयाब हो पाएगी, और क्या होगा जब बेनकाब होगा शक्ति सिंह का असली चेहरा। जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवी सोना को अपने सामने देखकर हैरान थी। सोना का भी कुछ यही हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी उसने जो सुना था। वो शिवी के कंधों को हिलाते हुए बोली, शिवी तुम क्या कह रही हो, ताऊजी ने क्या किया? शिवी ने घबराई नजरों से सोना को देखा। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, भाभी वो ताऊजी। तभी सोना की नजर शिवी के हाथों पर पड़ी जिसमें उंगलियों के ताजे निशान थे। सोना उसे देखते हुए हैरान हो गई। सोना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शिवी के सामने करते हुए सख्ती से कहा, ये सब क्या है शिवी, किसने किया ये? शिवी उन निशानों को देखकर हैरान हो गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर ब्लास्ट होने वाला था। उसने अपना हाथ सोना के हाथ से छुड़ाया और जमीन से उठते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, ये उस रात। वो फिर से झूठ बोलने जा रही थी लेकिन सोना उसका हाथ पकड़कर उसे फेस करते हुए बोली, झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो शिवी, क्योंकि अब हमें सब कुछ समझ आ रहा है। शिवी ने नहीं में सर हिलाया। सोना ने कहा, हम अभी तुम्हारे भैया को बताते हैं, वो ही अब तुमसे बात करेंगे। ये सुनकर शिवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सोना कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी तो शिवी उसके पैरों में गिरते हुए बोली, नहीं भाभी प्लीज भाई को मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा, वो भाई को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर सोना हैरान हो गई। शिवी ने रोते हुए कहा, भाभी वो ताऊजी ने कहा था उनके पास भाई के खिलाफ कई सारे ऐसे सबूत है जिसे अगर वो कानून के हवाले कर दे तो उन्हें जेल होगी और फिर फांसी होगी। भाई इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे, वो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कहते हुए उसे हिचकी आने लगी। सोना डिसबिलीव में उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ताऊजी ऐसा भी कुछ कर सकते थे। अपने ही घर की बेटी के सम्मान के साथ इतना बुरा वो कैसे कर सकते थे। शिवी ने आगे कहा, प्लीज भाभी भाई को कुछ भी मत बताना। सोना ने कहा, तुम अपने भाई से इतना प्यार करती हो कि तुम उसे बचाने के लिए अपनी। ये कहते हुए सोना का गला भराया। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। सोना को याद आया उसने जब पहली बार शिवी के हाथों में वो निशान देखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे हर एक पल याद आ रहा था। जब भी शिवी के सामने ताऊजी का जिक्र होता शिवी कितनी डर जाती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस जवाब को सुनने के लिए खुद को संभालने लगी जिसका वो सवाल करने वाली थी। सोना ने पूछा, कब से ये सब कब से चल रहा है? शिवी ने अपना सर झुका लिया और कहा, तीन साल से। उसने सोना को सब कुछ बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीप के एक्सीडेंट से लेकर उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उनके साथ बुरा करवाने तक। कल रात शिवी किचन में थी, तब शक्ति सिंह ने उसे पार्टी में जाने से मना किया था। फिर सोना ने शिवी को बेड पर बैठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, डोंट क्राई शिवी, हम है ना, अब से ताऊजी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, हम उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएंगे। उसने इतना कहा ही था कि उसके पीछे से किसी की भारी आवाज आई, ऐसा तब होगा ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगी। सोना और शिवी ने ये सुना और वो दोनों शॉक हो गए। किसी ने भी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें पता था ये कौन हो सकता था। कुछ ही पल बाद दोनों ने दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी। शिवी सोना के सीने से लगकर कांपने लगी थी। सोना ने भी कसकर शिवी को पकड़ रखा था। उन दोनों ने शक्ति सिंह को देखा जो गुस्से से उन दोनों को घूर रहे थे। शक्ति शिवा और सबको कुछ काम का बहाना करके घर वापस आ गया। सोना ने अपनी जलती हुई लाल आंखों से उन्हें देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती अपने ही घर की इज्जत के साथ खेलते हुए? हमें यकीन नहीं होता आप जो हर वक्त इज्जत संस्कार और परंपरा की बातें करते रहते थे वो अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कर सकता है, हमें घिन आ रही है आपसे।
ये सुनकर शक्ति सिंह ने गुस्से से कहा, कोई बेटी नहीं है ये हमारी, और ना ही ये इस घर का खून है। ये शिवा और बाबा के द्वारा सड़क से उठाकर लाई हुई गंदगी है, जिसे हमने अपने घर पर पनाह दी। इसमें गलत क्या है अगर ये हमारे किए का एहसान उतार रही है। सोना ने ये सुना और उसे यकीन नहीं हुआ। वो शक्ति सिंह के मुंह से कुछ ऐसा भी सुन सकती थी। उसने शिवी को देखा जो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। सोना ने नफरत से कहा, आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अगर ये इस घर का खून नहीं है तो क्या हुआ? ये एक लड़की है, आपने इसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? कितने गिरे हुए हैं आप। शक्ति सिंह ने गुस्से से शिवी का हाथ पकड़ा और उसे सोना से दूर करते हुए कहा, तुम अपनी औकात मत भूलो लड़की, तुम हमारे पैरों के धूल के समान भी नहीं हो। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुझे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद शक्ति सिंह ने किसी को आवाज दी। कमरे का दरवाजा खोलकर दो लोग अंदर आ गए। वे दोनों शक्ति सिंह के खास आदमी थे जो सिर्फ उसके लिए काम करते थे। उन्हें देखते हुए सोना थोड़ी घबरा गई। शक्ति सिंह ने गुस्से से कहा, पकड़ो इसे। उसका कमांड सुनकर वे दोनों लोग सोना की तरफ बढ़ने लगे। सोना ने पास के टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और शक्ति सिंह के सर पर दे मारा, जिससे शक्ति सिंह ने शिवी का हाथ छोड़ दिया और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। सोना ये देखकर जोर से चिल्लाई, शिवी भागो यहाँ से। तब तक उन दोनों ने सोना को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर इस वक्त उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज़ सुन पाए। घर के लोग पहले ही बाहर गए थे और घर में काम कर रहे लोगों को शक्ति सिंह ने वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था सोना अंश के साथ नहीं गई थी। सोना फिर से चिल्लाते हुए बोली, शिवी भागो यहाँ से जल्दी। शिवी ने ये सुना और अपना होश संभालते हुए वहाँ से भाग गई। उसे भागता देखकर शक्ति सिंह का एक आदमी भी उसके पीछे भागा। शक्ति ने उसे भागते हुए देखा तो सोना को गुस्से से घूरने लगा। वो उसके पास आया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सोना के नाक से खून आने लगा। शक्ति को इतने गुस्से में देखकर सोना घबरा गई। उसने अपना हाथ शक्ति सिंह के हाथ से छुड़ाना चाहा, तो शक्ति सिंह ने उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से सोना का सर घूम गया। शक्ति ने कहा, इसे जिंदा मत छोड़ना, अब ये मेरे लिए खतरा बन चुकी है। उसका आदमी सोना को अपने कंधे पर उठाकर ले गया। उसके जाने के बाद जो आदमी शिवी के पीछे गया था, वो शक्ति सिंह के पास आते हुए बोला, मालिक वो मेरे हाथ नहीं लगी, पता नहीं कहाँ भाग गई। शक्ति सिंह ने कहा, उसे छोड़ो, उसे मैं देख लूंगा, तुम दोनों उस लड़की को ठिकाने लगा दो, जाओ जल्दी इससे पहले अंश आ जाए। वो आदमी वहाँ से चला गया। शक्ति सिंह अपने चोट को हाथ लगाकर देखते हुए बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो कार में बैठकर कहीं चला गया। एक घंटे बाद अंश और वीरा घर आ गए। घर के अंदर आते ही उन दोनों को घर पर सन्नाटे का एहसास हुआ। अंश अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए वीरा से बोला, यहाँ की सारी मेड्स कहाँ हैं? वीरा ने कहा, सर मैं अभी पता करता हूँ। अंश फोन चलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो वहाँ पर भी उसे सन्नाटा पसरा हुआ महसूस हुआ। उसने सोना को आवाज दी, बीवी बीवी। लेकिन अंश को सोना का कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो सोना को सभी तरफ ढूंढने लगा, लेकिन सोना का कुछ भी पता नहीं चला। वो कमरे से बाहर आया और पूरी हवेली में सोना को आवाज देने लगा। शिवी जो अपने मुंह पर हाथ रखकर एक बड़े से टेबल के नीचे घुसकर बैठी थी, उसने जब अंश की आवाज़ सुनी तो उसे अपने दिल में सुकून का एहसास हुआ। वो टेबल के नीचे से बाहर आई और अंश को आवाज़ देते हुए बोली, भाई। शिवी की आवाज़ सुनकर अंश उस तरफ बढ़ गया। शिवी को उस हाल में देखकर अंश भागकर उसके पास आ गया। शिवी उसके गले लगते हुए बोली, भाई वो लोग भाभी को ले गए, वो उसे मार देंगे, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ये कहने के बाद शिवी ने जो अब तक अपना होश संभाला था वो बेहोश हो गई। अंश ने उसके गाल को थपथपाया और चिल्लाते हुए बोला, कौन ले गया उसे? शिवी उठो, कौन ले गया उसे? लेकिन शिवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इधर शक्ति के लोग सोना को कहीं लेकर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को दूसरी कार ने टक्कर मारी। उनकी कार अचानक से हुए इस अटैक से संभल नहीं पाई और वो किनारे पर लगे पोल से टकरा गई। दूसरी कार से कुछ लोग बाहर आए और शक्ति के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे वे दोनों वहीं मर गए। तभी एक आदमी उस कार के पास आया और उसमें से बेहोश सोना को लेकर अपनी कार में बैठ गया। एक घंटे बाद सोना को होश आया। उसकी आंखों में पट्टी थी और उसने महसूस किया वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। कुछ देर पहले का सब याद आते ही वो घबरा गई। शिवी शिवी कहाँ है? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो किसी की बातें सुन सकती थी। अभी सुबह होने में कुछ वक्त है, तब तक इस लड़की को होश नहीं आना चाहिए।
अफसर आते ही होंगे। सोना को महसूस हो रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी फिर कोई बोला, बॉस अभी आते ही होंगे, कुछ लोग बाहर चलो और कुछ लोग यहीं इस लड़की के पास रहो। इस बार सोना के कान में दूसरे आदमी की आवाज आई। कुछ पल बाद सोना को पैरों की आवाज आई जो उससे दूर जा रहे थे। उसने अपना सर जोर से हिलाया, उसकी पट्टी आंख से खिसक गई। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और इधर उधर देखा। वो जगह बहुत बड़ी थी, जैसे कोई फैक्ट्री हो। हल्के अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने देखा कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे जो खतरनाक दिख रहे थे। उनके हाथ में हथियार थे। सोना डर गई। उसने अपने पैर सिकुड़ लिए और कुर्सी के हैंडल को जोर से पकड़ लिया। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का नाम लिया। कुछ देर बाद उसके कान में किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई उसकी तरफ ही आ रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान हो गई। आखिर किसने सोना को कैद कर रखा है और कैसे सोना शक्ति सिंह का सच अंश के सामने लाएगी? क्या होगा जब सारा सच सामने आएगा? और क्या कभी अंश सोना को अपनाएगा? अब क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर हैरान थी। सोना ने हैरानी से कहा, ईशा आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ईशा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोली, यस डार्लिंग, इट्स मी। फाइनली तुम मेरे हाथ लग गई। सोना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आई हो? जाने दो हमें, हमें शिवी के पास जाना है। सोना ने इतना कहा ही था कि ईशा ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सोना का सर एक तरफ को झुक गया। उसने हैरान नजरों से ईशा को देखा। ईशा ने गुस्से से सोना को उसके बाल से पकड़ा और उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, शट योर माउथ यू फूल, तुम्हें मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। सोना उसके चिल्लाने से सहम गई। उसने ईशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, शिवी को हमारी जरूरत है। ईशा ने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, कभी नहीं। तभी उसके पीछे से एक भारी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। ईशा ने इस आवाज को सुना और उसने सोना के बाल को छोड़ दिया। सोना ने डरते हुए ईशा के पीछे देखा। ईशा के पीछे से एक आदमी चलते हुए आ रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। सोना ने उसे देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। सोना अब और ज्यादा घबरा गई। उसने कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। सम्राट अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डालकर चलते हुए उसके पास आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, वेल ये तो अब पॉसिबल नहीं है मिसेज रायजादा। सोना ने ये सुना और उसे देखने लगी। कुछ पल बाद उसने कहा, सम्राट प्लीज वहाँ पर शिवी, शिवी को हमारी जरूरत है वहाँ। वो कह ही रही थी कि सम्राट ने बीच में कहा, कमाल की है आप भी मिसेज रायजादा, यहाँ मरने वाली आप है और अपनी जान की फिक्र करने की बजाय आपको दूसरों की चिंता हो रही है। ये सुनकर सोना ने उसे हैरानी से देखा। उसने धीरे से डरते हुए पूछा, क्या मतलब? ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, इसके कहने का मतलब ये है कि तू अब यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगी। उसके बाद सुनकर सोना उन दोनों को सहमी नजरों से देखने लगी। उसने कहा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, क्यों कर रहे हो ये? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि ईशा उसकी बात काटते हुए बोली, तू अब भी ये पूछने की हिम्मत कर रही है? क्या तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? तूने मेरे अंश को मुझसे छीना है। शादी होने वाली थी हमारी, प्यार करती हूँ मैं अंश से, तूने उसे मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए वो अग्रेसिवली सोना की तरफ लपकी, लेकिन सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे शांत कराते हुए बोला, ईशा शांत हो जाओ, अब ये कुछ नहीं कर सकती, तुम बेकार में अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट कर रही हो। ईशा अपने दोनों हाथ बांध कर गुस्से में खड़ी हो गई। सम्राट ने कहा, जाओ तुम यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। ईशा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सम्राट ने कहा, वेल आपको यहाँ लाने का मेरा रीजन थोड़ा अलग है मिसेज रायजादा। सोना ने डरते हुए पूछा, क्यों? सम्राट उसके कान के पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, बिकॉज मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी गर्म सांसों को अपने गले के पास महसूस करके सोना के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद था एक बार उसने यही कहा था, लेकिन तब वो उसके जहन से उतर गया था। सम्राट सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथों को पैंट के पॉकेट में डालते हुए कैजुअली बोला, मैं तो चाहता ही हूँ अंश यहाँ आए तुम्हें बचाने के लिए, उसके बाद मेरे लोग उसे, यू नो व्हाट आई मीन। सोना का दिल घबराहट की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा।
सम्राट ने उसे घबराते हुए देखा तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, वेल, मैं आपको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? ये मेरी मजबूरी है। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे किया, जिसमें एक आदमी ने आकर चाकू रख दिया। चाकू देखकर सोना की सांसें उसके गले में अटक गई। सम्राट चाकू की नोक को अपनी उंगली में छूते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत जैसे आसमान से उतर आई कोई अप्सरा। और मेरा मानना है कि तुम्हारी जैसी अप्सरा की जगह धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में होती है। ऐसा कहते हुए उसने चाकू को सोना के चेहरे से नीचे करते हुए उसके गले पर लगा दिया। सोना के मुंह से हल्की सी आह निकली। आह! सम्राट की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तो मैं अंश के सामने तड़पा कर मारूंगा, जिस तरह उसने उसे मारा था। सम्राट का पागलपन देखकर सोना ने कांपते हुए कहा, प्लीज लीव मी। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। मैं अंश से इतनी नफरत करता हूँ कि मैं उसके आसपास की सारी चीजों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो भी उसे खुशी देती है, जैसे तुम। क्या तुम अपनी मौत की वजह नहीं जानना चाहती? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हुआ करता था। उसने मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। That's why he deserves death। ये कहते हुए उसने चाकू सोना के बाह पर स्टैप किया। सोना जोर से चीखी, हाँ! उसे इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वो छटपटाने लगी, लेकिन उसके हाथ बांधे हुए होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चोट से खून जमीन पर पानी की बूंदों की तरह टपक रहा था और उसके रोने की आवाज पूरी जगह पर गूंज गई। उसकी आवाज सुनकर सम्राट जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसे तड़पता देखकर सम्राट के दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। सोना को इतना दर्द हो रहा था कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद सम्राट एकदम से शांत हो गया और बिना किसी भाव के अपने लोगों से बोला, इसका ध्यान रखना, इसे होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। और वो अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहाँ से चला गया। हवेली में सबको पता चल गया था कि घर से सोना और शक्ति सिंह मिसिंग थे और शिवी बेहोश हालत में घर पर मिली थी। सबको लग रहा था ये उनके किसी दुश्मन का काम है, क्योंकि जब हवेली में वो सब हुआ था तब वहाँ पर कोई भी नहीं था गार्ड्स के अलावा, लेकिन शक्ति सिंह के वफादार होने की वजह से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। सब घर पर परेशान थे। अंश और शिवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे सोना और शक्ति का पता करने की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। शिवी की हालत के बारे में सुनते ही शौर्य और दीप दीप के घर से हवेली के लिए निकल गए थे। वे अभी जा ही रहे थे कि एक तेज रफ्तार से आ रही कार उनकी कार से आगे आ गई। शौर्य ने उसे बचाने के लिए अपनी कार घुमाई, लेकिन तब तक उनकी कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। शौर्य और दीप को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। शौर्य ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कार से बाहर आया। जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी, शौर्य उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आकर उसके मिरर को जोर जोर से मारने लगा। उसने कहा, अबे जब संभाली नहीं जाती तो पीता क्यों है? तू अभी कार से बाहर आ। तभी उस कार का गेट खुला और उसमें से एक शॉर्ट ड्रेस पहने खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर पावर का चश्मा लगा रखा था और वो गुस्से से शौर्य को देख रही थी। शौर्य भी उसे देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। उस लड़की ने अपनी आंखों में चश्मे को एडजस्ट किया और गुस्से से बोली, सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम रॉन्ग साइड से ड्राइव कर रहे थे। इतनी क्यूट सी लड़की के मुंह से इतनी तीखी बातें सुनकर शौर्य ने गुस्से से उसे घूरा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी कार के सामने आ गई थी, मैं नहीं, समझी तुम? शौर्य कुछ कहता उससे पहले दीप उसके पास आते हुए जल्दी से बोला, शौर्य इसे छोड़, हमें जल्दी हवेली जाना है, तू चल यार। शौर्य ने अपने लेदर कोट को झटका और अपनी कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपनी कार की बुरी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हो मेरी फेवरेट कार। वो गुस्से से उस लड़की के पास आया और गुस्से से बोला, अगर मैं अभी जल्दी में नहीं होता तो तुम जैसी नकचड़ी लड़की को जरूर सबक सिखाता। वो लड़की भी गुस्से से शौर्य को घूरते हुए बोली, और रियली गलती तुम करो और सारा इल्जाम मुझ पर लगाओ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं अभी तुम्हें मुझे छेड़ने के इल्जाम में जेल भिजवा सकती हूँ। शौर्य ने ये सुना और उसे घूरने लगा। उसे उस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो लड़की नहीं होती तो पक्का आज उसके हाथों पीटी होती।
अचानक से शौर्य ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाया और उसे कार के पिछली सीट पर फेंकते हुए बोला, अब आराम से मुझे जेल भेजने के बारे में सोचते रहना मिस चश्मिश। वो लड़की जोर से चिल्लाई, हाउ डेयर यू टू टच मी। दीप भी शौर्य की इस हरकत से हैरान हो गया। शौर्य उस लड़की की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए दीप से बोला, अब तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है, चल जल्दी। दीप अपने होश में आया और जल्दी से वो भी कार में आकर बैठ गया। शौर्य ने कार स्टार्ट कर उसे हवेली की तरफ घुमा लिया। वो लड़की शौर्य को मारते हुए बोली, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, कार रोको, आई विल कम्प्लेन टू द पुलिस। लेकिन शौर्य नहीं रुका। लगभग आधे घंटे बाद वे लोग हवेली पहुंच गए। शौर्य और दीप उस लड़की को कार में ही छोड़कर हवेली के अंदर चले गए। वो लड़की भी कार से बाहर आई और बड़ी सी हवेली को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन उसने अपने कदम हवेली के अंदर की तरफ बढ़ाया। शौर्य और दीप शिवी के पास पहुंचे। शिवी नीलिमा के कमरे में बेहोश हालत में पड़ी थी। दीप उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शिवी। शौर्य ने रिहान से पूछा, घर से दो लोगों को अगवा कर लिया गया लेकिन किसी को कुछ कैसे नहीं पता चला, और अंश कहाँ है? इधर अंश एक सुनसान जगह पर बनी फैक्ट्री के सामने खड़ा था। कुछ वक्त पहले उसके पास एक अनजान नंबर से SMS आया था। उसमें सोना की फोटो के साथ एक SMS लिखा था, बचा सकते हो उसे तो बचा लो। अंश उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिस पर लगा खून जमीन पर उसके पैर के पास टपक रहा था। उसके सामने कई लोगों की लाशें बिछी थी जिनकी जान अभी अभी अंश ने ली थी। उन लोगों का खून उसके कपड़े और चेहरे से टपक रहा था। रात के अंधेरे में उसकी काली गहरी आंखें चमक रही थी। वो उन लाशों के ऊपर से होते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। तभी फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों की नज़र अंश पर पड़ी और सम्राट के ऑर्डर के अनुसार वे लोग अंश पर हमला करने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे लेकिन मजाल थी कि अंश की आंखों में जरा भी खौफ हो। उसकी नज़र उसके सामने एक कुर्सी पर बंधी लड़की पर टिकी थी जिसकी बाजू से खून टपक कर जमीन को गीला कर रहा था। उसकी ऐसी हालत देख कर अंश की पकड़ हथियार पर कस गई। क्या अंश सोना को बचा लेगा या फिर दोनों कभी इस जगह से लौटकर नहीं जा पाएंगे? और क्या होगा जब अंश को सम्राट के प्लान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट FM पर। सोना को उस हाल में देखकर अंश का खून खौल गया। उसने अपने हथियार पर पकड़ कस दी और उन लोगों पर अपना गुस्सा उतारने लगा जो उसे घेर कर खड़े थे। उनकी चीखें सोना के कान में पड़ने से सोना की आंख खुली। उसने आधी खुली आंखों से सामने देखा और अंश को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उन सब से फाइट करते हुए भी अंश की नज़र बस सोना पर थी। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोना उसे अपने पास आते देख रही थी। अंश पूरी तरह से खून से नहाया हुआ लग रहा था। उसने सबको मार दिया था। उसकी आंखों में किसी भी तरह के कोई भाव नहीं थे। आज सच में सोना अंश का रियल साइड देख रही थी। उसे अपने पास आते देख सोना घबरा गई। उसके होंठ थरथरा रहे थे और आंखों में डर दिखाई दे रहा था। अंश उसके पास आया और घुटनों पर बैठकर उसके हाथ और पैरों से रस्सी खोलने लगा लेकिन उसकी नज़र सोना के चेहरे पर ही थी। सोना भी अंश की आंखों में देख रही थी। अंश ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली। सोना को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास हुआ। आह! तभी चुपके से एक आदमी अपने हाथ में लोहे का रॉड लेके अंश के पीछे आया और उसके सर पर जोर से वार किया। सोना के मुंह से जोर से निकला, अंश, और उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन अंश ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वो आदमी जिसने अंश को पीछे से मारा था वो भी अंश को ऐसे देखकर हैरान हो गया। उसने फिर से एक बार वार किया लेकिन अंश ने इस बार भी बिना पीछे देखे रॉड को एक हाथ से पकड़ लिया और उस आदमी के गले में घुसा दिया। ये देखकर सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंश के इस रूप से डर लग रहा था। अंश ने देखा सोना को गहरा कट लगा है और उसके हाथों में रस्सी से निशान बन गए थे। अंश खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए झुका तो सोना ने उसे अपने एकदम करीब देखकर खुद को सिकोड़ लिया। अंश ने ये देखा और वो रुक गया। सोना के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। अंश ने उसे अपने हाथ से साफ किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। सोना अपनी घबराई नजरों से अंश को देख रही थी। अंश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाहर ले जाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो। सोना ने वैसा ही किया। अंश नहीं चाहता था सोना बाहर का खतरनाक नजारा देखे,
इसलिए उसने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा था। तभी पीछे से दीप और शौर्य भागते हुए आए। उनके साथ वीरा और कुछ गार्ड्स भी थे। सबने उस जगह को घेर लिया। दीप और शौर्य ने अंश को देखा तो वे भी घबरा गए। उन दोनों ने गहरी सांस ली। अंश और सोना ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों खून से नहाए हुए हो। अंश उन दोनों को इग्नोर करके सोना को लेके बाहर चला गया। दीप और शौर्य उसके पीछे भागे। गार्ड्स ने उस जगह की तलाशी ली कि कोई बचा तो नहीं है। अगर उस जगह को कोई नॉर्मल इंसान देखता तो वो वहीं बेहोश हो जाता। दीप ने आकर गाड़ी के पीछे का गेट खोला। अंश सोना को लिए ही कार के अंदर बैठ गया। सोना अब भी उसकी आंखों में देख रही थी और अंश ने उसके गले पर हाथ रखा तो सोना की आंखें बंद हो गई और उसका सर एक तरफ झुक गया। अब वो बेहोश हो गई थी। उनसे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसमें सम्राट गुस्से से बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और झल्लाते हुए बोला, अंश मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद अंश सोना को लेकर हवेली आ गया। अंश सोना को लेकर अंदर चला गया। अब तक सुबह हो चुकी थी और घर के सभी लोग लिविंग रूम में थे। वो लड़की जिसे कल रात शौर्य अपने साथ लेकर आया था वो भी वहीं पर थी। शौर्य ने उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा था। रिहान, ताईजी, पीहू और नीलिमा सोफे पर बैठे थे। तभी उनकी नज़र अंश पर पड़ी। दोनों की हालत देखकर सबने अपनी आंखें बंद कर ली। पीहू डर से नीलिमा के गले लग गई। अंश सोना को अपने कमरे में ले गया। वो लड़की जो शौर्य के साथ आई थी वो भी उसके कमरे के बाहर खड़ी अंश और सोना को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अंश कमरे में आया और सोना को बेड पर लेटा दिया। दीप सोना के पास आया और उसकी चोट को साफ करते हुए पट्टी करने लगा। उसने सोना के सफेद चेहरे को देखा और कहा, आई थिंक इसका खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें इसके लिए खून का इंतजाम करना होगा। अंश जो अब तक खुद को संभाले हुए था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। रिहान और शौर्य ये देखकर उसके पास आ गए। दोनों ने अंश को संभाल कर उठाया और उसे सोफे पर लेटा दिया। कमरे में खून की बदबू फैल गई थी। शौर्य ने जल्दी से पूल साइड का मिरर वॉल खोल दिया जिससे कमरे में फ्रेश हवा आने लगी। दीप ने पीहू से सोना के कपड़े बदलने के लिए कहा और वो लोग अंश को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। पीहू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोना को अंश की शर्ट पहना दिया। कुछ देर बाद वे सब लोग लिविंग रूम में आ गए। वहाँ पर उन दोनों ने क्या देखा था वो उन्हें बताते हुए भी डर लग रहा था। तभी शारदा ने फिक्र करते हुए कहा, तुम्हारे ताऊ जी, उनका कुछ पता चला? कहाँ है वो? उनका फोन भी बंद बता रहा है, हमें तो डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर बाद अंश उन्हें कमरे से बाहर आता नजर आया। सब उसे देखकर सोफे से खड़े हो गए। अंश ने कहा, शिवी कहाँ है? उसके सवाल को सुनकर नीलिमा उसके पास आते हुए बोली, शिवी मेरे कमरे में है अंश, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अंश ने उसके सवाल को इग्नोर किया और नीलिमा के कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पे सो रही शिवी को देखने लगा। उसने उसके पास बेड पर बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। किसी के छूने का एहसास होते ही शिवी की नींद टूट गई और वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसे लगा जैसे शक्ति सिंह हो। उसने कहा, नहीं। लेकिन अंश को अपने सामने देखकर वो उसके गले लग गई। उसने कहा, भैया वो भाभी को ले गए ताऊ जी। उसने इतना ही कहा था कि अंश ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। वो उसकी घबराई आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना यहाँ पर कुछ लोग घुस आए थे गार्ड्स की नजरों से बचकर, उन्होंने तुम पर हमला किया और सोना को वे लोग ले गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता ताऊ जी कहाँ है, राइट? ये कहने के बाद उसने शिवी के मुंह से हाथ हटा लिया। शिवी वो सब सुनने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाई यहाँ। वो कह ही रही थी कि अंश ने उसे आंखें दिखाते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना यहाँ कुछ लोग घुस आए थे। शिवी अंश की बात को समझ गई और उसने हाँ में सर हिलाया। अंश उसके आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट वरी, ही विल डेफिनेटली गेट पनिश्ड। शिवी ने हाँ में सर हिलाया और फिर से उसके सीने से लग गई। उसे आज पहली बार उसके दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, भाई भाभी ठीक है ना? अंश ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर उससे बात करने के बाद अंश कमरे से बाहर आया। सबकी आंखों में सवाल देखकर अंश सोफे पर आकर बैठ गया। शारदा ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ था अंश, तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं? अंश ने सबको वही बताया जो उसने शिवी को कुछ मिनट पहले समझाया था। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। शौर्य ने कहा, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे? अंश ने कहा, आई डोंट नो, इसलिए मैं यहाँ की सिक्योरिटी बदल रहा हूँ। अंश की बात सुनकर एक बार फिर से सब हैरान हो गए। शारदा ने कहा, लेकिन तेरे ताऊ जी? अंश ने कैजुअली कहा,
ताऊ जी ने कहा था वो कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे आप सबको बताने के लिए कहा था, लेकिन ये सब हो गया। उसकी बात सुनकर सब ने राहत की सांस ली। कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद अंश कमरे में जाने के लिए सोफे से खड़ा हुआ तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। उसने कहा, ये कौन है? शौर्य और दीप उस तरफ देखने लगे जहाँ पर अंश देख रहा था। उस लड़की को वहाँ देखकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो लड़की अपना चश्मा ठीक करते हुए अंश को सहमी नजरों से देख रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने उसे खून से नहाया हुआ जो देखा था। अंश उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन शौर्य उसके बीच में आते हुए बोला, ओ अंश, इस लड़की को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अंश ने उसे घूर कर देखा। शौर्य ने अंश को उस लड़की के वहाँ होने का रीजन बताया तो अंश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, इसे इसके घर छोड़ दो, और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। शौर्य ने उस लड़की को देखा, वो लड़की जो अब तक अंश को डरते हुए देख रही थी, उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और वो शौर्य पर चिल्लाते हुए बोली, यू इडियट, तुम मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। शौर्य उसके ऐसे चिल्लाने से बोला, तुमने ये क्या पुलिस लगा रखा है? मैं क्या डरता हूँ पुलिस से? जाओ जाकर कंप्लेन कर दो। मैं भी कह दूंगा तुम पीकर कार चला रही थी और मेरी कार का एक्सीडेंट कर दिया। उस लड़की ने उसे घूर कर देखा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यू? शौर्य उसकी उंगली को पकड़ते हुए बोला, हाँ मैं। शौर्य और वो लड़की एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज आई। दोनों हड़बड़ा गए और शौर्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। दीप शौर्य के पीछे से उनके पास आते हुए बोला, तुम दोनों में क्या चल रहा है? उसकी बात सुनके वो लड़की और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे और फिर दीप को घूरने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। और वे दोनों दूर से एक दूसरे को चिढ़ते हुए देखने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर दीप को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली। उसने कहा, वैसे ब्यूटीफुल लेडी, आपका नाम और पता क्या है? शौर्य आपको घर छोड़ देगा। उस लड़की ने दीप को चिढ़ते हुए देखा और कहा, मेरा नाम नालंदा ठाकुर है, प्यार से सब मुझे नंदू बुलाते हैं, और मेरा पता है। उसने अपना पता बताया। दीप ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम दीप है, प्यार से सब मुझे दीप ही बुलाते हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे किया। नालंदा ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर दीप को देखने लगी। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे किया और उससे हैंडशेक किया। उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शौर्य उन दोनों को घूर रहा था। दीप ने शौर्य की नजरें खुद पर महसूस की तो उसने नालंदा का हाथ छोड़ दिया। दीप ने कहा, नंदू, तुम्हें शौर्य घर छोड़ देगा। नालंदा ने शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखा और अपना पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चली गई। शौर्य उसे घूर के देखने लगा और दीप शौर्य को देखने लगा। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नंदू, कितना प्यारा नाम है ना? शौर्य ने उसे घूर कर देखा। दीप ने कहा, लेकिन मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही थी? आई थिंक ये वही लड़की है ना, जो उस दिन होटल में अकेले बैठकर खाना खा रही थी? शौर्य हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये वही है। दीप ने कहा, ओ तो अब मैं समझा, तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए थे? नॉट बैड, नॉट बैड, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हें भाव देगी। देखा नहीं, जंगली बिल्ली है वो, कैसे पंजे मारने के लिए झपट रही थी। शौर्य अपनी शर्ट का कॉलर उठाते हुए अकड़ से बोला, जंगली बिल्ली को काबू कैसे करना है वो मुझे अच्छे से पता है, चलो बाय। अब ये कहकर वो अपना हाथ हिलाते हुए चला गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश कमरे में आया। उसने सोना के सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा और फिर खुद को देखने लगा। उसके पास से खून की हल्की बू आ रही थी। उसने कबर्ड से कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। कुछ वक्त बाद वो खुद को साफ करने के बाद बाहर आया और सिगरेट उठाकर पूल साइड पर चला गया। कुछ वक्त बाद सोना की आंखें एकदम से कस गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी। उसके हाथ बेडशीट पर कस गए जब उसने सपने में खुद पर चाकू से वार होते देखा। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और हाँफने लगी। अंश जो पूल साइड पर सिगरेट का कश ले रहा था, उसने सोना की आवाज सुनी तो जल्दी से अंदर भाग कर आया। उसने देखा सोना अपना सर पकड़ बैठी तेज तेज सांसें ले रही थी। अंश जल्दी से उसके पास आया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सोना ने कस के अपनी मुट्ठी में अंश की टी शर्ट को भींच लिया और आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगी। उसके हाथ में लगी चोट की वजह से उसका एक हाथ हल्का सुन पड़ गया था। अंश ने कहा, शांत हो जाओ,
तुम ठीक हो। सोना कुछ देर बाद शांत हुई। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसने टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसे सोना के मुंह के आगे कर दिया। सोना ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अंश ने देखा उसके बाल पसीने की वजह से उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने उन्हें साइड किया और उसे देखने लगा। अंश ने फिक्र करते हुए सॉफ्टली पूछा, आर यू ओके? सोना ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अंश को देखा और उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने अपने चेहरे से अंश के हाथ को हटाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, क्या आप जानते हैं शिवी के साथ इतना बुरा किसने किया है? आपके महान ताऊजी ने। उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में मिस्टर रायजादा? उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा किया। ये कहते हुए उसने नफरत से अंश को देखा। अंश जानता था सोना उससे क्या कहना चाह रही थी। अंश ने उसके चेहरे से अपनी नजरें फेर ली और अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी तरफ पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। सोना गुस्से से बेड से नीचे आकर अंश के सामने खड़ी हो गई। वो उसे फेस करते हुए बोली, क्या हुआ, नजरें नहीं मिला पा रहे आप हमसे? वो उसके सीने पर उंगली रखते हुए बोली, उस दिन शिवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आपने हमें ठहराया, लेकिन आपका क्या? आप तो इसी घर में रहते हैं ना? तो फिर आपकी नाक के नीचे से आपके ही घर पर आपकी बहन के साथ पिछले 3 सालों से गलत होता आ रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे सवाल करते हुए सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा लेकर अंश की आंखों में देख रही थी। अंश जिसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बस सोना को ही देख रहा था, क्योंकि वो जानता था सोना के सवाल जायज थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। अंश बचपन से ही अपने ताऊजी से ज्यादा अटैच था। उसने हर एक काम उन्हीं से तो सीखा था, चाहे अच्छा हो या बुरा। सोना ने उससे कोई जवाब नहीं पाया तो उसने फिर से कहा, आपने हमें इतना टॉर्चर किया अपनी बहन के लिए, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? क्या आपके लिए भी एक लड़की की इज्जत अपने घर के मान सम्मान के आगे कोई मायने नहीं रखती? अंश ने कुछ भी नहीं कहा। सोना ने अपना हाथ नीचे कर लिया और निराश होते हुए बेड पर आकर बैठ गई। उसने कहा, हम आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो तो आपके ताऊजी हैं, जिन पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। सोना ने कहा और अपने एक हाथ से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अंश के कानों में उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। कुछ वक्त बाद वो वहाँ से चला गया। सोना कुछ देर बाद शांत हो गई। तभी शिवी कमरे में आ गई। शिवी जल्दी से उसके पास आकर उसके गले से लग गई। उसने कहा, भाभी आप ठीक है ना? मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं उन्होंने आपके साथ क्या किया होगा, लेकिन भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया। उसने शिवी से कहा, शिवी तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उन्हें उनके किए की सजा देंगे। शिवी ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाभी अब उसकी जरूरत नहीं है, भाई ने कहा कि वो उन्हें सजा देंगे। सोना ने ये सुना और वो हैरान हो गई। एक घंटे बाद अंश एक बड़े से घर के सामने आकर रुका। वो कार से बाहर आया और गुस्से से उस घर के अंदर चला गया। ये ईशा का घर था। उसे कुछ वक्त पहले पता चला सोना को किडनैप करने के पीछे ईशा का हाथ था। उसने घर की बेल बजाना भी ठीक नहीं समझा और गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ईशा के डैड कुछ लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने अंश को वहाँ इतने गुस्से में देखा तो वो खड़े हो गए। मिस्टर वर्मा ने कहा, अंश तुम यहाँ? अंश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, ईशा कहाँ है मिस्टर वर्मा? मिस्टर वर्मा ने अंश की बात सुनी तो वो घबरा गए। उसने झूठ बोलते हुए कहा, वो घर पर नहीं है। क्यों, क्या किया उसने? तभी ईशा जो अपने कमरे में बैठकर म्यूजिक सुन रही थी, वो बाहर हो रहे शोर को सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने अंश को वहाँ देखा तो एक पल के लिए घबरा गई। वो नर्वस होकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह अंश तुम यहाँ? अंश गुस्से से उसके पास आया और उसके गले को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से बोला, मैं जानता हूँ तुमने मेरी बीवी को किडनैप किया था, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ ईशा, मेरी बीवी से दूर रहो। शुक्र करो उसे सिर्फ चोट आई है, अगर उसे कुछ भी हुआ होता तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता। ये कहते हुए वो ईशा के गले को दबाने लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई शैतान हो। ईशा की मानो आंखें बाहर ही आने वाली थी और उसकी सांसें गले में अटक गई थी। वो अंश के हाथ पर मारते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घुटन की वजह से उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी का ऐसा हाल देखा तो वो उसके पास आ गए। वो अंश को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो मर जाएगी अंश, छोड़ो उसे। अंश ने उसके गले को छोड़ दिया, जिससे ईशा अपना गला पकड़कर नीचे बैठ गई
और सांस लेने की कोशिश करने लगी। अंश ने गुस्से से मिस्टर वर्मा को देखा और कहा, इस लड़की को आज ही देश से बाहर भेजो, मैं दोबारा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की हालत देखी और उसके पास आ गए। रात का वक्त, सोना सो रही थी कि तभी पीहू उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई। उसने खाने को टेबल पर रखा और सोना को जगाने के लिए उसके पास आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, भाभी उठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। सोना ने अपनी आंखें खोली। काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसे काफी कमजोरी आ गई थी। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। पीहू ने उसे उठाकर बैठने में मदद की। सोना ने कमजोर आवाज में कहा, पीहू हमें वॉशरूम जाना है। पीहू ने ओके भाभी कहा और उसे लेकर वॉशरूम में आ गई। कुछ देर बाद वो अपना काम करके वापस आई। वो अभी तक अंश के कपड़ों में ही थी। पीहू ने उसे वापस से बेड पर बैठाया और उसे खाना खिलाने लगी। पीहू ने कहा, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैंने आपकी और शिवी की सारी बातें सुन ली थी। सोना ये सुनकर हैरान हो गई। पीहू ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आपको पता है मैं और शिवी पिछले 5 सालों से दोस्त हैं, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपने इतने गहरे राज के बारे में पता चलने नहीं दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीहू ने आगे कहा, शायद वो मुझसे कुछ बांटना ही नहीं चाहती थी, या फिर ऐसा है कि मैं उसकी दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ। मैंने भी कभी शिवी के दुख को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे फेस कैसे करूं। सोना ने उसे रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पीहू को खींचकर अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, ऐसा नहीं है, तुम शिवी का दुख नहीं समझ पाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शिवी ही वो थी जिसने कभी तुमसे अपना दुख बांटना नहीं चाहा। अगर उसने शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया होता तो उसे इतना सफर नहीं करना पड़ता। कुछ देर बाद पीहू शांत हो गई। उसने कहा, ओह सॉरी भाभी, आपका खाना ठंडा हो गया, मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जाने लगी तो सोना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दो पीहू, हमें ज्यादा भूख नहीं है, तुम प्लीज हमारे कपड़े बदलने में मदद करो, हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पीहू ने हाँ में सर हिलाया और ट्रे को टेबल पर रख कर उसने सोना को पहले दवाई खिलाई, फिर कबर्ड से उसके लिए नाइट गाउन लेकर आई। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे बेड से खड़ा करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ पर उसे अंश खड़ा दिखाई दिया। उसने जल्दी जल्दी सोना की शर्ट के बटन वापस से लगा दिया और सोना से कहा, सॉरी भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। लेकिन हमारे कपड़े? सोना उसे रोक पाती उससे पहले पीहू खाने की ट्रे लेकर कमरे से बाहर चली गई। तभी सोना की नज़र भी दरवाजे पर खड़े अंश पर पड़ी और वो समझ गई पीहू इतनी जल्दी में क्यों भागी। सोना ने अंश को चिढ़ते हुए देखा। उसने अपनी शर्ट पकड़कर नीचे खींचते हुए कहा, क्या आप पीहू को वापस कमरे में भेज सकते हैं? हमें चेंज करना है, हमने सुबह से यही पहना है। अंश ने इनोसेंटली हाँ में सर हिलाया और कमरे के पास से ही पीहू को देखने लगा। लेकिन पीहू इतने में ही पता नहीं कहीं गायब हो गई थी। वो कमरे में आया और बोला, पीहू चली गई, तुम्हें ये खुद से ही करना होगा। सोना ने फिर से उसी तरह कहा, आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? अंश उसके पास आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। सोना ने गुस्से से उसे देखा। अंश ने कहा, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। सोना ने ये सुना और उसे घूरने लगी। उसने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अंश को सोना के दर्द में चिल्लाने की आवाज आई। आह! अंश ने ये सुना और बिना सोचे अंदर भाग गया। सोना अपना चोट वाला हाथ पकड़कर खड़ी होकर सुबक रही थी। अंश ने उसे देखा और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश उसे लेकर बाहर आ गया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए उसकी स्लीव को रोल करते हुए चोट को देखने लगा। उसने कहा, आई थिंक तुमने अपना हाथ ऊपर किया, इसलिए तुम्हारी मसल्स खिंच गए। ये कहकर उसने उसकी स्लीव वापस से नीचे कर दिया। सोना उसे अपने लिए परेशान होते देख रही थी। अंश ने उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो वो अपना सर ऊपर करके उसे देखने लगा। उसने देखा उनका चेहरा कितना करीब था। इधर पीहू एक कमरे के बाहर पिलर से टिक कर खड़ी थी। उसके हाथ में ट्रे था और वो अंश से जानबूझकर छिप रही थी। उसने झांक कर अंश के कमरे की तरफ देखा और दरवाजा बंद देखकर उसने राहत की सांस ली। वो जाने के लिए मुड़ी तभी वो सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा गई और ट्रे का सारा खाना उस शख्स के ऊपर गिर गया। पीहू अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी। किससे टकरा गई पीहू? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।